देखिए, जो ERCP जो हमारी सरकार का एक डीम प्रोजेक्ट है, और 2017 के अंदर जब हमारी तत्कालीन सरकार थी तब इस योजना पर काम चालू हुआ था। आप कुछ दिनों से देख रहे हैं कि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस द्वारा जिस तरह का जो भ्रम फैलाया जा रहा है, और जो ERCP जो योजना है जिसके माध्यम से पार्वती और काली सिंध का पानी को हम लिफ्ट करके राजस्थान के 21 जिलों के अंदर लाएंगे, और क्योंकि चंबल जो घड़ियाली सेंचुरी है, NGT द्वारा उस पर बैन है किसी भी तरह के पानी लिफ्ट करने का, तो हम पार्वती और काली सिंध दोनों के पानी को लिफ्ट करके हमारे राजस्थान, पूर्वी राजस्थान के लोगों को पीने का पानी और सिंचाई का पानी उपलब्ध हो सके, इसके लिए इस योजना पे काम कर रहे हैं। अभी वर्षा काल चल रहा है और आपने देखा होगा कि जिस तरह से हमारा पार्वती, काली सिंध और चंबल का पानी व्यर्थ में बहके समुद्र में चला जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता। उस पानी को लिफ्ट करके हम लोगों को पीने का पानी और सिंचाई का पानी उपलब्ध कराएंगे, और कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ ERCP को लेकर राजनीति करती रही, वो सिर्फ बातें करती रही, बयानबाजी करती रही। उन्होंने सिर्फ कागजों में भी इस योजना तर को धरातल पर उतारने का काम नहीं किया। हमने उसको कागजों में भी आगे बढ़ाया और धरातल पे भी उसको आगे बढ़ाया। आज राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में DPR को लेकर MOU हो चुका है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में जो DPR थी उसके कुछ बिंदु थे, उसमें भी पूर्ण रूप से सहमति बन चुकी है, और जल्दी इस योजना का प्रथम शिलान्यास माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी करेंगे। और अगर सही मायने में राजस्थान में अगर जल क्रांति के कोई सूत्रधार है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी है। और सही मायने के अंदर अगर अपन बात करें तो जितनी मेहनत राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी कर रहे हैं हमारे राजस्थान के आवाम के लिए, हमारे राजस्थान के विकास के लिए, लगभग 18 से 19 घंटे डेली और सिर्फ राजस्थान के विकास की बात करते हैं, कड़ा परिश्रम कर रहे हैं। और हाल ही के अंदर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय टोडासरा जी का जो बयान आया उसके बारे में भी मैं कहना चाहता हूँ कि टोडासरा जी सिर्फ और सिर्फ बयान कांग्रेस के आलाकमान को कुछ करने के लिए देते हैं। टोडासरा जी का हर बयान राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को कुछ करने वाला होता है। और आपने देखा होगा कि जब वो सरकार में थे उनके घर पे कुछ लोग आए, उन्होंने उनका भी मजाक उड़ाया। हाल ही के अंदर हमारे राजस्थान के किसान पुत्र, हमारे राजस्थान के किसानों के मसीहा, हमारे राजस्थान के खुद किसान मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के ऊपर जिस तरह की उन्होंने टिप्पणी करी, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि उन्होंने राजस्थान के किसान मुख्यमंत्री का ही नहीं बल्कि किसानों का भी अपमान किया है। और इस तरह से राजस्थान की जो जनता को गुमराह करने का काम सिर्फ और सिर्फ ये कांग्रेस सरकार कर रही है। और अब तो राजस्थान का बच्चा बच्चा कह रहा है कि टोडासरा जी ने तो अपने घर वालों के भी जिस तरह से उन्होंने RPSC के माध्यम से अपने घर वालों के भी मजे कर दिए, इस तरह के लोग आम चर्चा का ये विषय बना हुआ है। तो निश्चित रूप से जो ERCP योजना है ये धरातल पे आ चुकी है, जल्दी इस पे हम काम चालू करेंगे। प्रथम फेज का जो काम है हमने उसके टेंडर भी अपलोड कर दिए, उसके वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिए। इसके अलावा भी जो हमारा यमुना समझौता हरियाणा और राजस्थान के बीच में वर्षों से अटका हुआ था, DPR बनाने का काम के लिए वो हमारा दोनों के बीच में समझौता हो चुका है, MOU हो चुका है, जिससे सीकर, चूरू और झुंझुनू तीन जिले इससे लाभान्वित होने वाले हैं। और इसके अलावा भी माही का जो पानी, नर्मदा का पानी है, वो और कैसे हमारे राजस्थान प्रदेश को मिले, हम इस पे भी काम करेंगे। इसके अलावा भी हमारा जो गांधी सागर का पानी बिसलपुर में सीधा कैसे आए उस पे भी हम काम कर रहे हैं। हमने बजट के अंदर माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि बजट के अंदर एक वाटर ग्रिड बनाने की उन्होंने घोषणा करी। निश्चित रूप से ये वाटर ग्रिड
अपना जल क्रांति का सूत्रधार होगा और राजस्थान के लिए आने वाले समय के अंदर ये एक जो पानी है चारों तरफ से राजस्थान में, क्योंकि हमारी बारहमासी नदी राजस्थान की खुद की कोई है नहीं, हम पड़ोसी जलस्रोतों पे और नदियों पे निर्भर है। तो आज तक किसी भी सरकारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। हमारी जब भाजपा की सरकार आई, माननीय भजनलाल जी की सरकार आई, तो इस पर काम तेज़ी से बढ़ा और ये जो वाटर ग्रिड राजस्थान के चारों दिशाओं से जहाँ से भी हमें पानी मिल रहा है हम लाने का काम करेंगे और राजस्थान के जो पानी की समस्या है उसे निजात दिलाएंगे। और मैं इंद्र देवता का भी हम सब लोग जितना भी उनको धन्यवाद दें और उनकी सीम कृपा रही हमारे राजस्थान के ऊपर कि राजस्थान के अधिकांश जिलों के अंदर अच्छी बरसात हुई। और क्योंकि अभी रोजमेरी इसको लेकर मॉनिटरिंग होती है, बिशुपुर का भी जलस्तर काफ़ी अच्छा आ गया, लगभग 13 मीटर से भी ऊपर वो चला गया है। और जो पूर्व अनुमान के द्वारा जो वर्षा का पूर्व अनुमान मानसून का जो हमारे पास अपडेट आ रहा है उसके अंदर भी ये है कि चित्तौड़, भीलवाड़ा और उदयपुर इस साइड के अंदर अभी कुछ आने वाले दिनों के अंदर अच्छी बरसात होगी, जिससे हमारा जो बिशलपुर है वो भी लबालब होगा।